मोदी जी का जो 400 पार का लक्ष्य है, 370 पार करना, उसी लक्ष्य के आधार पर चल रहे हैं, गिरिराज सिंह के आधार पर नहीं चल रहे। गिरिराज सिंह वैसे काम क्षेत्र में कुछ नहीं किया, अगर ये जीतेंगे तो मोदी जी के बदौलत जीतेंगे। वैसे वोट भी मांग रहे थे मोदी जी के नाम पर, अपने नाम पर नहीं, गिरिराज जी वोट मांग रहे थे। जो रीति रिवाज है उसका जो ढांचा है वो बहुत सुंदर है। विकास तो बोला, कुछ विकास नहीं हुआ। नहीं, ये कहने से थोड़े मोदी जी के शासन काल में भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है, अत्याचार पर लगाम लगा है, और विदेश जो पैसा जाता था वह पैसे पर जो है तो बहुत बड़ा अंकुश देने का काम किया है भाई नरेंद्र मोदी जी, वरना कांग्रेस नहीं, कांग्रेस तो बढ़ावा दिया इन सभी कार्यों को। देश हित में वोट किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, देश का विकास हुआ है, रोजगार पे वोट किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएन सिटी लाइव। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर। अयोध्या में मंदिर बनवाई जो कभी नहीं बना, बहुत दिनों से अफसोस करते रह गए, इंतजार करते रह गए 500 बरस, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार आए मंदिर को बनाए। अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मोदी जी से बड़ी खुश है, युवा वर्ग जितना आदमी है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है वो खुश है, हम भी खुश है, मोदी जी जिंदाबाद। UCC लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी से आग्रह है हम लोगों का कि UCC लागू करे। और दूसरा हमारा मुद्दा है, देश में 10 लाख जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उन लोगों को देश से बाहर करने का हमारा दूसरा मुद्दा है। सरकार नहीं आएगी ये कन्फर्म है, लिख के रख लीजिए। हाँ, इधर कन्फर्म। और 400 पार मोदी जी बोले हैं, 400 पार निश्चित होगा इस बार हम लोग का, बीजेपी का प्रस्ताव। बीजेपी लवर भी है, लवर है, इसमें कोई बुराई नहीं, इसलिए लवर है क्योंकि बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी जैसा काम आज तक कोई नहीं किया, हम 2004 से ही मतदान कर रहे हैं, दो बार हम दूसरा किसी को भी मतदान करके देख लिए, कोई विकास का कोई बात नहीं हुआ है। 500 वर्ष तो बात बना रहा है, ऐसा सरकार तो कैसा कमल साहब, विकास के मुद्दे पे किए हैं कि रोजगार के मुद्दे पे किसी भी मुद्दे पे विकास रोजगार को कुछ नहीं। हम जानते हैं ये बात की जो बहुत सहूलियत दे रहा है मोदी सरकार, उसी को वोट दिए हैं, लेकिन लोग बता रहा है हमका जिसको वोट नहीं दो हाँ सब पर GST लगा दिया, लेकिन सब पर भी हम मोदी सरकार को 370। जय श्री राम, जय मोदी। अच्छा, विकास में चाहिए मोदी, मोदी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत, आप देख रहे हैं DN सिटी लाइव न्यूज। बिहार में चौथे चरण का मतदान हो रहा है, सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू है। मैं अभी मौजूद हूं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के साहेबपुर कमाल विधानसभा अंतर्गत उच्च मध्य विद्यालय भगत मतदाता। देश विकास के मुद्दा पर भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हो, 400 पार के लक्ष्य को देखते हुए मैंने बीजेपी गिरिराज सिंह को अपना मतदान दिया। इस तरफ एनडीए की तरफ से गिरिराज सिंह थे जो केंद्रीय मंत्री है, और इंडिया कैबिनेट तरफ से अध्यक्ष रहे, तो आपको अच्छा कैंडिडेट कौन लगे? गिरिराज सिंह। तो 5 वर्षों में कैसा काम किया? काम तो मध्यम गति की, काम वैसा नहीं की, लेकिन मोदी जी का जो 400 पार का लक्ष्य है, 370 पार करना, उसी लक्ष्य के आधार पर चल रहे हैं, गिरिराज सिंह के आधार पर नहीं चल रहे। गिरिराज सिंह वैसे काम क्षेत्र में कुछ नहीं किया, अगर ये जीतेंगे तो मोदी जी के बदौलत जीतेंगे। वैसे वोट भी मांग रहे थे मोदी जी के नाम पर, अपने नाम पर नहीं, गिरिराज जी वोट मांग रहे थे। चलिए, मेरा नाम है शंभू चौधरी, घर भगतपुर। कितने वर्षों से आप मतदान कर रहे हैं? बहुत दिन से कर रहे हैं, बहुत वर्षों से। हाँ, लेकिन और भी मतदाता हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं, किन किन मुद्दों पर मतदान किए हैं, किन किन मुद्दों पर मतदान किया? केंद्र के हिसाब से देश की जो स्थिति है उस हिसाब से हम नरेंद्र मोदी को वोट दिए, और नरेंद्र मोदी प्रत्येक राज्य में जो वह योजना चला जैसे अनाज योजना या चूल्हा मैंने
गैस योजना उजाला के तहत कृषि उद्योग में जो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि ये सब जो योजना है केंद्र का, केंद्र सहयोग किया है, केंद्र के जो रीति रिवाज है उसका जो ढांचा है वो बहुत सुंदर है। विकास तो बोला कुछ विकास नहीं हुआ, नहीं ये कहने से थोड़े होता है, ये कहने से थोड़े हो जाता है, विकास तो सामने है। 5 किलो अनाज कहने से नहीं होता, तो बोला से 5 किलो अनाज से क्या होगा, 5 किलो अनाज से क्या होगा, देशे को लिख दे एक जनता देशे को लिख दे देश एक जनता तब भी पूर्ति नहीं होगा। अरे वो अपने रीजन के मुताबिक, अपने राज्य के मुताबिक, अपने हिसाब के मुताबिक, अपने देश के मुताबिक उन्होंने बहुत काम किया है, काम नहीं किया इसी बात पूरे केंद्र लेवल पर काम हुआ। अभी अमर सिंह हुआ, हम 9 नंबर वार्ड में हैं। अभी आप विकास की बात की है, जो देश हम लोगों के घर में आकर के पटाखा फोड़ देता था, आदमी को मार देता था, आज वह आदमी वह देश जो है तो धूम बैठा समेट करके जो है तो अपने देश में बैठा हुआ है। भारत का नाम आज सुनने के बाद पड़ोसी जितने भी देश है, भारत का नाम सुनने के बाद उसके अंदर जो है सो थर्रा जाता है। एक ऐसा समय था कि भारत के नाम पर जो है सो जो को भी था वह कमेंट करता था, भारत में आकर के लूटता था, भ्रष्टाचार करता था, हत्या करता था, पैसा ढेर सारे लूट कर ले जाते थे। लेकिन आज मोदी जी के शासन काल में भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है, अत्याचार पर लगाम लगा है, और विदेश जो पैसा जाता था वह पैसे पर जो है तो बहुत बड़ा अंकुश देने का काम किया है भाई नरेंद्र मोदी जी, वरना कांग्रेस नहीं, कांग्रेस तो बढ़ावा दिया इन सभी कार्यों में। 5 वर्ष में गिरिराज सिंह का कार्य क्रियाकलाप जो है तो मध्यम गति का रहा, लेकिन देश के नेतृत्व वाली बात पर उनका कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। वह जो देश के विषय में बात करते थे, पाकिस्तान खास करके पाकिस्तान पर वो ज़्यादा बात करते थे, तो उनमें उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन जो उनका संसद निधि था, संसद निधि के कार्य, संसद निधि योजना से जो क्षेत्र में काम करना चाहिए, यह 0/0 रहा। अब क्या लग रहा है कि आप जिन मुद्दों पर आपने मतदान का प्रयोग किया अपना, हाँ, तो अब काम हो पाएगा, विकास हो पाएगा? अब मोदी की जान, देखिए विकास हो या नहीं हो, मोदी जी भी जान गए हैं कि भाई गिरिराज सिंह अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किए है। लोग वोट दे रहा है मोदी जी को, गिरिराज सिंह को नहीं दे रहा है। यह उत्तरदायित्व बनता है भाई नरेंद्र जी मोदी का कि इस बेगूसराय के संसदीय क्षेत्र में जो काम बचा हुआ है एक पंचवर्षीय में, अब तो दूसरा पंचवर्षीय चालू होने वाला है, दोनों का काम वो जो है सो पूर्ण करें। वैसे तो काम देवे किए हैं, जैसे मटिहानी में पुल बना है, हेवी योजना है ना, ओवरब्रिज बना है बेगूसराय में, किसानों को सम्मान निधि दिया जा रहा है, बहुत सा गरीबों को अनाज फ्री में दिया जा रहा है, तो अब क्या विकास होना चाहिए? देश हित में वोट किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, देश का विकास हुआ है, कुछ लोग देखते हैं देश हित में गिरिराज सिंह को वोट किया गया। विपक्ष तो बोला गिरिराज सिंह कोई काम नहीं किए, विपक्ष का काम है बोलना, उसके पास कुछ है नहीं तो क्या बोलेगा कुछ तो मतदान करेगी। आपने प्रयोग किया आज, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या किन मुद्दों पर आपने मतदान किया? हम तो शिक्षा और रोजगार पे वोट किए हैं। क्या लगता है कि उनको आप मतदान किए हैं, जिनको आपने वोट दिया, अपना मत दिया है, वो 5 वर्ष में फिर बेहतर कर पाएंगे? हाँ, अनुमान तो है, अनुमान है, कर पाएंगे जी। हाँ, नाम क्या होता है? जो आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदान किया है, किन किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? हम मतदान किए हैं, मंदिर भी वो जान नहीं कभी बना था, राम मंदिर अयोध्या में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। बस बस की बात है, जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर बनवाए जो कभी नहीं बना, बहुत दिनों से अफसोस करते रह गए, इंतजार करते रह गए 500 बरस, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार आए, मंदिर को बनाए, हम लोग को बहुत खुशी की बात है। हम लोग मोदी के ही नाम पर, अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरावों की बाकी है, अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरावों की है।
अब की बार 400 पार। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदान किया, हम मोदी जी से बहुत खुश हैं। युवा वर्ग जितना आदमी है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है वो खुश है, हम भी खुश हैं। मोदी जी जिंदाबाद। अब क्या लगता है कि आप उनको मतदान किए हैं वो अच्छा काम करते हैं जी? अब इतना अपना विश्वास से ज्यादा मोदी जी काम करेंगे, हमारे विश्वास से ज्यादा मोदी जी अपनी बार काम करेंगे, 400 पार अपनी करेंगे। पक्का है, एकदम पक्का है, 400 पार करेंगे मोदी जी, हमसे विश्वास से ज्यादा काम करेंगे। अच्छा विपक्ष तो नोट का बंडल निकलता है, मशीन खराब हो जाता है, तब भी कहता है मोदी जी करवाते हैं, तब क्या कीजिएगा? विपक्ष नहीं बोलेगा तो उसको वो जागेगा कैसे, उसका बात कैसे चलेगा? इनसे पूछिए, जो मतदान करके अपने मताधिकार का प्रयोग करके आए हैं उन्हें जानते हैं। आप पहली बार मतदान कर रहे हैं? हाँ, पहली बार कर रहे हैं। तो किन किन मुद्दों के लिए आपने मतदान किया? पहला मुद्दा है UCC लागू करने के लिए, नरेंद्र मोदी से आग्रह है हम लोगों का कि UCC लागू करे। और दूसरा हमारा मुद्दा है देश में 10 लाख जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उन लोगों को देश से बाहर करने का हमारा दूसरा मुद्दा है। और तीसरा है काशी और मथुरा को लेकर के हम लोगों ने राष्ट्रहित में मतदान किया। क्या लगता है कि 5 वर्षों में आप उनको मतदान किया आगे अच्छा विकास कर पाएंगे? विकास बिल्कुल कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे? बीते जो 5 साल रहा है काफी अतुलनीय रहा है, काफी बढ़िया कार्यकाल रहा है और आगे भी बढ़िया कार्यकाल होगा। और गिरिराज सिंह के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी भारी बहुमत के साथ। विकास का बड़ा कुछ विकास नहीं। अरे विपक्ष क्या बोलेगा भाई, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने के लिए। विपक्ष क्या बोलेगा जो खुद एक सीट नहीं ला पा रहा है, बेगूसराय से कम्युनिस्ट पार्टी को खड़ा किया जिसका कोई वजूद नहीं है, जो खुद वेंटिलेटर पे चल रहा है। नोट विधायक बना चुके हैं। अरे क्या विधायक रहे, उनसे पूछे ना बछवारा में क्या विकास किए वो, एक रुदौली का पुल नहीं बनवा पाए वो, क्या विकास किए हैं? जो खुद मुंह में पान रखे रहते हैं क्या विकास में, आपको क्या लगता है मुंह में पान रखे हुए सदन में वो बोल पाएंगे? लोगों को बस मोदी पे विश्वास है, लोग मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं। श्याम सुंदर कुमार, मंडल उपाध्यक्ष भाजपा। किन किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करते हैं? मुद्दा तो है कि बीजेपी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, अब हमने देश में जन जागरण हुआ है, मतदाता लोग जागरूक हुए हैं, वोट का अधिकार क्या होता है, वोट देने के बाद उसका महत्व क्या होता है, ये लोगों को पता चला है, जनता जानी है बीजेपी की सरकार होने के बाद। ऐसे तो जनता सोई हुई थी, जनता को पता चला है कि वोट देने का पावर क्या होता है, वोट देने के बाद उसका राम मंदिर बनेगा, वो नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है, समझाया है। यहाँ तक गरीबों का सवाल है, गरीबों को भी बहुत सारी मदद किए हैं। मोदी की सरकार होकर दूसरी किसी की सरकार नहीं आएगी, ये कंफर्म है, लिख के रख लीजिए। हाँ इधर कंफर्म। और 400 पार मोदी जी बोले हैं, 400 पार निश्चित होगा इस बार हम लोग का। बीजेपी का हाथ में पत्ता है, बीजेपी लवर भी है। लवर है, इसमें कोई बुराई नहीं, इसलिए लवर है क्योंकि बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी जैसा काम आज तक कोई नहीं किया, हम 2004 से ही मतदान कर रहे हैं, दो बार हम दूसरा किसी को भी मतदान करके देख लिए, कोई विकास का कोई बात ही नहीं हुआ है। जब से मोदी सरकार आया है सबसे हम विकास बोलते हैं, मतलब हाँ हाँ गारंटी जो कहते हैं वो करते हैं, निश्चित करते हैं। अभी आपने अपने किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? फसल कर रहा, उसमें आप भी कुछ देख रहा है, भविष्य में नहीं राम मंदिर बदली होने वाला, 500 वर्ष बाद बना राम बदली, बहुत खुशी, ऐसा सरकार तो कैसा। राष्ट्रहित में आपने मतदान किया, उसके भी मतदान कर चुकी। शुभ नाम क्या बोलते? देख सकते हैं बहुत बुजुर्ग वोटर है। तो आपने किन किन मुद्दों पर मतदान किया? कमल साहब विकास के मुद्दों पर किए हैं कि रोजगार के मुद्दों पर? किसी भी मुद्दे विकास रोजगार को कुछ नहीं, हमने जानते हैं ये बात की जो बहुत सहूलियत दे रहा है मोदी सरकार, उसी को वोट दिए हैं, लेकिन लोग बता रहा है हमका जो उसको वोट नहीं दो, सब पर GST लगा दिया, लेकिन सब पर भी हम मोदी सरकार। जय गिरिराज, जय गिरिराज। कुछ बोला फिर भी आप
उसी पे मोदी जी को ही दिए हो, मोदी जी के नाम पे वोट दिए सुनम का ग्राम परमल कोला नौ नंबर वार्ड आपने आज किन किन मुद्दों के लिए मतदान किया? हम राज्य का आधार है मंदिर विकास हमको नहीं चाहिए, हमको मोदी चाहिए। अच्छा विकास में चाहिए मोदी, सिर्फ मोदी 400 पार विकास।